गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोरखनाथ की छात्राओं ने गुरुवार को जिला महिला चिकित्सालय परिसर के अंदर प्रसूताओं के लिए जागरूकता अभियान का शिविर लगाया। गर्भावस्था के विषयों पर आधारित शिविर का उद्घाटन जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने फीता काट कर किया। कॉलेज की NNM और GNM की लगभग 60 छात्राओं ने एक महीने की पोस्टिंग पूरी करने के बाद प्रसूताओं को जागरूक करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया। जिला महिला चिकित्सालय में गर्भावस्था के दौरान उपचार के लिए आने वाली महिलाओं को कॉलेज की छात्राओं ने गर्भावस्था के दौरान खान पान, शरीर में होने वाले परिवर्तन, विभिन्न प्रकार के सावधानी, रहन सहन के तौर तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर डॉक्टर दिनेश सोनकर, शिक्षिकाएँ रुचि मौर्य, श्वेता सिंह सहित ANM और GNM की छात्राएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोरखनाथ की शिक्षिका प्रियंका सिंह और प्रमुख अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय डॉक्टर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा। शरीर में परिवर्तन होते हैं उसके बारे में थोड़ा नॉलेज दिया जाता है। गर्भावस्था मतलब प्रेगनेंसी 9 महीने का समय होता है, पीरियड होता है। पहले जो वो होता है मासिक धर्म होता है वो बंद हो जाता है, मासिक धर्म जो होता है वो बंद हो जाता है, उसका पहला लक्षण है। और उसके बाद बार बार पेशाब लगना, मितली आना, कब्ज होना, और जब ये कुल मतलब गर्भावस्था के दौरान कुल 11 या 12 किलो वेट बढ़ता है, जो वजन होता है वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, मतलब 2 किलो इसलिए बढ़ता है क्योंकि स्तनपान कराने के लिए 2 किलो बढ़ता है। 4 किलो वेट इसलिए बढ़ता है क्योंकि उस समय ज़्यादा खून की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है। तो उसे 3 किलो जरूरत बच्चे के लिए होती है और 1 किलो जो गर्भाशय होता है, जो यूट्रस होता है उसके लिए और ब्लड का और आपके यूरिन का जांच होगा। तो उसमें क्या होता है, HCG एक हार्मोन होता है, वो प्रेजेंट होता है, तो उससे पता चलता है कि तो उससे मेंसेस रुक जाते हैं, फिर मासिक धर्म जो होता है वो बंद हो जाता है। मेरा नाम 16 वीक तक की अपना बच्चा अबॉर्ट कर दे रही है, मतलब गिर जा रहा है, निकाल जा रहा है, या तो लिया जा रहा है, निष्कासित खुद हो रहा है, या फिर डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है, उसको अबॉर्ट करते हैं। कैसे देते हैं इस सब के बारे में आप ही बताया जाए। हम लोग का टॉपिक LSS लोअर सेक्शन, जो लोग नहीं है उनको बता दें। यस सर, अगर बच्चा होता है बॉडी के लिए, हम मेकअप टीशर्ट दिखाई गई है उसके बॉडी के, यहाँ पे एक ये चीरा लगा, ये चीरा लगा है। कभी 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 बच्चा पेड़ा होता है, कभी कभी बच्चा उल्टा होता है, जो उसे बॉडी में अलग अलग तरीके से कट लगाते हैं डॉक्टर। कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे पानी जो होता है वो कट उनसे लिखवाना
ये हमारे छात्र गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्र हैं, ANM और GNM। इन लोग के कोर्स के दौरान इन लोगों की एक महीने की पोस्टिंग लगी थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यहाँ पे, और यहाँ पे जब इनकी एक महीने की पोस्टिंग खत्म हो गई तो लास्ट में ये लोग जो इन्होंने एक महीने में जागरूकता फैलाई है उन सब चीज़ों को एक इकट्ठा करके और समरी एज ए समरी ये लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और लोगों को इस चीज़ों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। जैसे एंटीनेटल केयर होता है कि एंटीनेटल जो मदर नई नई प्रेग्नेंट होती है, पहली बार प्रेग्नेंट होती है, उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है या उनके परिवार वालों को ये सारी चीज़ें नहीं पता होती, क्या खिलाना पिलाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करवानी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो हम लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं कि अगर किसी का एबॉर्शन हो रहा है पोस्ट नेटल केयर में, मतलब गर्भ जब माँ का प्रसव हो जाता है उसके बाद क्या देखभाल करनी चाहिए, इसके अलावा फैमिली प्लानिंग के परिवार के बारे में। सब लोग जानते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन हम इसी चीज़ को दूर दूर तक के जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं जो थोड़े पुअर कंडीशन के हैं उन लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं ताकि वो लोग ये सारी चीज़ों को समझें और आगे इस चीज़ को फैलाए ताकि हमारे देश का विकास हो सके। और मेरा नाम प्रियंका सिंह है, हम वहाँ पे फैकल्टी एज ए फैकल्टी है श्वेता मैम और रुचि मौर्य मैम। ये गोरक्षनाथ जो नर्सिंग कॉलेज है वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि आए हुए हैं और यहाँ पे जनता को और जो आ रहे हैं यहाँ पे महिलाएं आ रही हैं उनको जागरूक करने के लिए और गर्भावस्था से संबंधित और गर्भ से संबंधित जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसको बताने के लिए ये लोगों ने एक ये कार्यक्रम तैयार किया है जो कि बहुत ही अच्छे से चल रहा है। इससे जनता को बहुत लाभ मिलेगा।